हेलो सेमेस्टर फोर, हम लोग देख रहे हैं पेपर 10 लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। इसका यूनिट 2 चल रहा है, जो टाइप्स ऑफ बॉडी और अकॉर्डिंग बॉडी टाइप के हम लोग कैसा न्यूट्रिशन देते हैं, क्या देना चाहिए, किस तरह की उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है उस बॉडी फ्रेम की, और किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बॉडी टाइप का देख रहे हैं। दिस अभी हम देखेंगे एंडोमॉर्फ, द थर्ड टाइप ऑफ बॉडी एंडोमॉर्फ। द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टाइप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1940s बाय अमेरिकन रिसर्चर्स एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम शेल्डन। थ्रू हिज रिसर्च ही कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन आवर स्केलेटल फ्रेम एंड बॉडी कंपोजिशन। स्केलेटल फ्रेम और बॉडी कंपोजिशन कैसा होता है, उसके थ्रू उन्होंने अपनी साइकोलॉजी के कुछ नियम बताए थे, कुछ लॉज कुछ उसको एक्सप्लेन किया था। वी ऑल हैव इनहेरिटेड बॉडी टाइप डेट डिटरमाइन वेदर वी आर लीनर हैवियर और समवेयर इन बिटवीन। पतले होते हैं, मोटे होते हैं, या कुछ औसत बॉडी टाइप होता है अकॉर्डिंगली इस बॉडी फ्रेम के अनुसार। बिकॉज ऑफ दिस इनहेरिटेड बॉडी टाइप रीचिंग वेट लॉस और फिटनेस गोल्स ऑफन रिक्वायर्स ऑन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम। बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग ही इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम होता है, उसको हम लोग बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही पर्टिकुलर जो पर्सन है उसका खाना कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो अपने गोल उसका अगर सेट है कि मुझे थिन है और उसे अच्छी बॉडी करनी है, कुछ मसल्स बनाने, वेट पुट ऑन करना है, तो वो, या फिर वो हैवियर है तो उसको अगर पतला होना है तो समटाइम्स इस तरह का वर्क कैसा, वो किस तरह का मील ले, कौन से न्यूट्रिशन ले, किन को अवॉइड करे, और किस तरह का पर्टिकुलर वो अपनी बॉडी फ्रेम बनाए, वो इसके अंदर आता है। एंडोमॉर्फ्स आर सेड टू हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट विथ लेस मसल मास। दे आर ऑफन हैवियर एंड राउंडर बट नॉट नेसेसरली ओबेस। बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल मेकअप पीपल विथ एंडोमॉर्फिक बॉडीज आर मोर सेंसिटिव टू कैलोरी कंजप्शन देन पीपल हु विथ अदर बॉडी टाइप। जिनकी दूसरी तरह की बॉडी टाइप होती है उसके कंपेटिवली ये मोर कैलोरीज कंजप्शन होता है इनका। एंडोमॉर्फ्स मोर मस्ट केयरफुली वॉच देयर फूड इनटेक टू इंश्योर दे दैट दे डोंट मोर कैलोरीज देन दे बर्न। वो जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं या कर सकते हैं उससे कंपेटिवली उनको कम कैलोरी लेनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा कैलोरी लेने से वो बॉडी में फैट के रूप में जमा होता है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड अ लार्जर फ्रेम एंड एन इनएबिलिटी टू ड्रॉप वेट। एंडोमॉर्फ हैव अ लार्ज बोन स्ट्रक्चर विथ हाई अमाउंट ऑफ टोटल बॉडी मास एंड फैट मास। The endomorph body type diet is and generally soft and gain fat very easily. Endomorphs are usually are shorter with the thick arms and leg. उनके thick arms और leg होते हैं और short height होती है. Their muscles are very strong, especially the upper legs, and they are naturally strong इन लेग एक्सरसाइज लाइक स्क्वेटिंग। लेग एक्सरसाइज वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि अपर लेग उनके हेवी होते हैं और अच्छा वो वेट ले सकते हैं। दे हैव राउंड एंड कर्व शेप्ड बॉडी। नाउ फीचर्स ऑफ एंडोमॉर्फ। नाउ नंबर 1 इज सॉफ्ट राउंड एंड कर्व्ड बॉडी। नाउ नंबर 2 गेन मसल एंड फैट वेरी इजिली, बहुत जल्दी फैट और मसल वो गेन करते हैं। नाउ 3rd इज शॉर्ट इन हाइट। Now 4th round physique. 5th is find it hard to lose fat. Fat lose करना थोड़ा tough होता है उनके लिए, so metabolism होता है। Muscle are not well defined, उनके muscle बहुत well defined नहीं होते हैं। Now ये तो था हमारा endomorphic body type का characteristic. Now we will see food intake, क्या food इनको लेना चाहिए, किस meal plan को menu plan को इनको लेना चाहिए, और किस तरह की चीज़ें इनको देनी हमें सेट करना चाहिए, और किन को अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग इनके बॉडी फ्रेम के। नाउ फूड इनटेक। अकॉर्डिंग टू द डाइट थ्योरी एंडोमॉर्फ हैव स्लोअर मेटाबॉलिज्म
सिंस दे डोंट बर्न कैलोरीज एज फैट एज फास्ट एज एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ, जो दूसरी दो बॉडी टाइप्स हैं एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ, उनके कंपेरेटिवली इनका जो कैलोरी बर्न है वो थोड़ा मेटाबॉलिज्म थोड़ा इनका स्लो होता है. एक्सेस कैलोरीज आर मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू फैट, जैसा कि हम लोग पहले देखें कि वो जो एक्सेस कैलोरी होती है जो बर्न नहीं होती है वो फैट के रूप में रिजर्व हो जाती है, सेट हो जाती है बॉडी में. द बेस्ट डाइट फॉर एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप मे बी वन विथ अ हायर फैट एंड प्रोटीन इनटेक एंड अ लोअर कार्बोहाइड्रेट इनटेक सच एज द पैलियो डाइट. दिस डाइट कैन हेल्प लूज बॉडी फैट वाइल प्रिपेयरिंग या कीपिंग द एनर्जी लेवल अप. एनर्जी लेवल को अप भी रखती है, क्योंकि अगर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ पुशअप्स कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए डेली वर्क के लिए. एंडोमॉर्फ शुड कंट्रोल द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देयर इनटेक शुड बी 30% कार्बोहाइड्रेट 35% प्रोटीन एंड 35% फैट. दे शुड अवॉइड हाई स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, जो हाई स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें अपने मील में एंडोमॉर्फ के लिए कम रखनी है. दे मे टेक प्रोटीन एंड फैट्स, फैट्स भी लीन फैट बट इन स्मॉल अमाउंट. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सब हम लोग दे सकते हैं उनको. गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन इंक्लूड, जो गुड सोर्सेज होते हैं फैट्स और प्रोटीन के वो सब हैं मैकेडेमिया नट्स, हेजल नट्स, एलमंड्स, ऑलिव ऑयल, बीफ, एग योक, चीज़, वॉलनट, फैटी फिश, चिकन एंड टर्की. कैनोला एंड एवोकाडो सीड ऑयल उनको दिया जा सकता है, एग्स एग वाइट दिए जा सकते हैं. ये उनके फूड इनटेक में हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं और हमें उसको उनको ध्यान देना चाहिए. अब इसके बाद देखते हैं कि किन किन और चीज़ों में हमें इनको डालना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है. दे डोंट हैव टू अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स आर क्यों कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड नहीं कर सकते, मात्रा कम कर सकते हैं अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीबॉडी नोज कि जो कार्ब्स हैं वो एक मेन सोर्स है एनर्जी के लिए. क्यों कार्ब्स आर एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. रिमूविंग कार्ब्स फ्रॉम द डाइट कैन ट्रिगर स्लगिनेस एंड फैटिक. If too extreme a low carb diet can also lead to gastrointestinal problem and ketosis. अगर बहुत कम कर देंगे तो दूसरी problems body में develop कर जाएंगी, rise कर जाएंगी. So इसके लिए हमको उसकी मात्रा कम करनी है, ना कि उनको totally remove करना है अपने diet से या menu plan से. इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सो ट्राई टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक वेजिटेबल्स. जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मिश्रित, उन पे ध्यान दें जी. वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड ट्यूबर्स एंड लेग्यूम्स, होल ग्रेन एंड फ्रूट्स, इन पे फोकस करना चाहिए. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स आर हाई इन शुगर एंड कैलोरीज. जो सिंपल अगर हम कंपाउंड लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कंपेरेटिवली टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि वो शुगर और कैलोरीज में बहुत हाई होते हैं. विच कैन कॉज फैट स्टोरेज, क्योंकि उतना अगर हम अपनी एनर्जी जो हमारा अगर ले रहे हैं कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या अपने पेशेंट को दे रहे हैं या किसी का हम मेन्यू प्लान कर रहे हैं डाइट प्लान कर रहे हैं, तो इससे इसको हटाना चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करना चाहिए. इनमें क्या क्या आता है सिंपल में, हमारा वाइट ब्रेड आती है, वाइट राइस, पास्ता, केक्स, कुकीज़ आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. तो इनको अवॉइड करके वेजिटेबल्स हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स हुई, पोटैटोज हुए, लेग्यूम्स हुए, इन सबको हमको उसमें इंक्लूड करना चाहिए. और सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एंडोमॉर्फ डाइट इंक्लूड्स, जो एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप है उसके लिए क्या हम स्टार्ची फूड या उनको कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, वो हैं ड्राइड बीन्स, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, चिक पीस पाउडर यानी बेसन भी दे सकते हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में ही आते हैं, ऑल ब्रान, सीरियल्स, कॉर्न, कैरेट्स, क्विनोआ एंड अमरनाथ.
अमरनाथ क्या होता है, ये बहुत ग्लूटेन फ्री ग्रेन होता है और साथ ही ये इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं और इसमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनको हम लोग उसकी डाइट में शामिल कर सकते हैं एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप में। ये जो हमारे सीरियल्स हैं या जो ड्राइड बीन्स वगैरह, उनको इसमें उनके मेन्यू प्लान में डाल के उसको रिच कर सकते हैं, जिससे वो टोटली हमने कार्ब्स हटाया भी नहीं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है एनर्जी की, वो फुलफिल भी होती है। नाउ ट्रेनिंग फॉर एंडोमॉर्फ। अब एंडोमॉर्फ को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस तरह उनको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उनकी बॉडी शेप, उनके जो मसल्स उनको और फैट जो बहुत जल्दी पुट ऑन कर लेते हैं या उनकी जो बॉडी टाइप है उसको देखते हुए। Endomorphs typically have a difficult time losing fat with diet alone, so a well-rounded fitness program is a must for those with an endomorph body type. उन लोगों के लिए well-planned exercise का बनाना चाहिए। Exercise is essential to boosting metabolism and must include both weight and cardio training. Weight उठाने वाला भी उनको एक्सरसाइज करना चाहिए और कार्डियो ट्रेनिंग भी उनको करनी चाहिए। इन जनरल एंडोमॉर्फ मस्ट कमिट टू अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम। लाइफ लॉन्ग उनको इन एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनका बॉडी शेप वैसा ही होता है जिसमें उनको एक्स्ट्रा जो कैलोरी होती है उसको बर्न करने की, अपनी बॉडी को एक शेप में रखने की, अपने मेटाबॉलिज्म को एक एक्यूरेट सिस्टम पे रखने की ज़रूरत होती है कार्डियो। तो इनके लिए फर्स्ट हम लोगों को देखना है कि इन जनरल एंडोमॉर्फ मस्ट कमिट टू अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम विद कार्डियो एंड सम अदर एक्सरसाइजेस विदाउट ओवर ईटिंग एंड विदाउट ओवर ट्रेनिंग। अगर वो बहुत ज़्यादा विदाउट ट्रेनिंग के या विदाउट ओवर ईटिंग के ये प्रोग्राम करते हैं तो ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। बिल्डिंग मसल्स कम ईजिली For endomorphs, however, a slower metabolism and extra body fat make it much harder for endomorphs to stay lean. Now, first इनके लिए हम लोग देखेंगे क्या exercise है, cardio. The cardio training component is imperative for the endomorph to burn calories and create a greater calorie deficit. जो cardio training है, cardio training recommendations for the endomorphs incorporate high intensity interval training. HIIT short form is ka incorporate high intensity interval training 2 to 3 days yani 2 se 3 din a week for no more than 30 minutes per workout. hafta mein 2 se 3 din 30 minute ke kafi hai cardio training inke liye, inko ye cardio training karni chahiye. Now incorporate 30 to 60 minutes of steady states cardio 2 to 3 days a week. 2 se 3 din mein 3 din inko 30 to 60 minutes steady states cardio karna chahiye. And weight training. Ab next hai weight training. Weight training kaisi inki honi chahiye? Maintaining or building lean muscle mass and losing body fat while also reviving up metabolism is the focus ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग सेशंस में इन पर ध्यान देना चाहिए। डेवलपिंग मोर एक्टिव मसल टिश्यू विल हेल्प इंक्रीज रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट एंड इंक्रीज द बॉडी टू बर्न मोर फैट फॉर फ्यूल वेट ट्रेनिंग रिकमेंडेशंस फॉर द एंडोमॉर्फ फोकस ऑन लार्ज मसल ग्रुप्स पे फोकस करने। लार्ज मसल्स ग्रुप कहाँ हमारे होते हैं, लेग्स हुए, बैक हुआ एंड हाई रिपीटेशंस, 50 रिपीटेशंस कम से कम करना चाहिए इन हाई मसल्स एरिया पे ध्यान देते हुए। इन पे एक की लेग बैक की लेग एंड बैक पे फोकस करते हुए इन एक्सरसाइजेस को करना चाहिए और 15 रिपीटेशंस होने चाहिए, 1 2 3 करके 15 टाइम्स। कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सर्किट ट्रेनिंग विथ वेरी लिटिल रेस्ट टाइम बिटवीन सेट्स। बहुत कम रेस्ट टाइम रखना चाहिए बिटवीन जो हम सेट करते हैं, 5 सेट है, 10 सेट है, 13 सेट है, तो इन सेट्स के बीच में बहुत कम रेस्ट टाइम, जिससे थोड़ा जो हमारा स्वेटिंग हो, थोड़ा सा हमारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़े तो उस तरह से हमारा बॉडी एक शेप में आए।
ये हमारा था बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली सेशन।